Hello friends, today we are going to start with classification of cost, one of the most important topic of module 1, that is introduction to cost. So cost classification can be divided in 5 criteria, that is on the basis of behavior, on the basis of time, on the basis of management, and on the basis of elements, and on the basis of function. So let us discuss these classification one by one. सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर का मतलब क्या है कि एक कॉस्ट का नेचर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी टेंडेंसी कैसी है. तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर वी कैन क्लासिफाई द कॉस्ट इन 3 मेजर कैटेगरी, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट मीन इट डज नॉट वेरी विद द चेंज इन द आउटपुट, यानी कि ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं रहती है, इट रिमेन फिक्स्ड बाय नेचर, इट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट. फॉर एन एग्जांपल, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो क्या कहें कि किसी भी रूम के अंदर अगर हम बात करें 50 स्टूडेंट्स बैठेंगे तो उस रूम का रेंट भी उतना ही लगेगा, अगर उस रूम में एक स्टूडेंट बैठेगा तो भी रेंट उतना ही लगना है, और अगर उस रूम को हम लॉक कर दें तो भी उसका रेंट उतना ही लगना है. तो किसी भी फैक्ट्री के रिलेशन में बात करें तो फैक्ट्री का रेंट, किसी भी फैक्ट्री का रेंट जो है उसके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. सो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो आउटपुट में चेंज के साथ चेंज नहीं होती वो कॉस्ट क्या कहलाती है, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है. तो इट इज कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द चेंज इन द आउटपुट, द कॉस्ट दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ फीचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर किसी भी फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता, यानी फिक्स्ड इन अमाउंट बट चेंज इन पर यूनिट, पर यूनिट चेंज होता है उसका अमाउंट सेम रहता है. अगर दो प्रोडक्शन लेवल है तो दोनों प्रोडक्शन लेवल पर उसका अमाउंट सेम रहेगा बट उसका पर यूनिट दोनों का चेंज हो जाएगा. सेकेंड इज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज द कॉस्ट विच चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन विद द चेंज इन द आउटपुट. द वर्ड प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेफिनेशन, कि किसी भी कॉस्ट का आउटपुट के साथ सेम प्रोपोर्शन में जो चेंज होता है, कॉस्ट में रेलेवेंट जो चेंज होता है वो क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि किसी भी आउटपुट में अगर 10% इंक्रीज हुआ है तो कॉस्ट भी 10% इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी.